हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आज हमारे पास है हैवेल्स ब्रांड का रूम हीटर्स, जो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह की क्वालिटी का है। इसको हम ओपन करने वाले हैं एंड पूरा रिव्यू देंगे ये कैसा प्रोडक्ट है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेलकन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले मिले। तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ लुक दिखता है जब आप ओपन करते हैं बॉक्स, एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी यानी कि थर्मोकोल में पैकिंग होके आता है ताकि कुछ डैमेज वगैरह ना हो। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह की क्वालिटी दी हुई है। तो नीचे का बॉक्स को हटा देते हैं एंड एंड इसमें एक और मिलता है वारंटी कार्ड, जिसमें कंपनी की ओर से मिल जाती है 1 ईयर की वारंटी। एंड इसका जो वोल्टेज है वो 2000 वाट्स का है। एंड इसका जो मॉडल आता है देखने को आपको, किस्टा मॉडल देखने को आपको मिल जाएगा। एंड इसमें पूरा डिटेल्स में यूजर मैनुअल कैसे ऑपरेट करना है इसको एंड आपको पूरा दिया हुआ है इसमें। तो ये रखते हैं साइड में एंड मेन कर देते हैं रूम हीटर के बारे में। तो देख सकते हैं ये हैवेल्स ब्रांड का रूम हीटर है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वायर की बात कर लेते हैं। तो ये जो वायर है हैवेल्स ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है इसके ऊपर, एंड ये जो 15 एम्स का प्लग पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि हर प्लग पॉइंट में फिटिंग नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा प्लग पॉइंट है, आपको एम्स में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस तरह का सेपरेट कन्वर्टर ले सकते हैं, कोना का प्लग पॉइंट है यानी कि मल्टी प्लग है देखने को मिल जाता है, 3 पिन अडैप्टर है, यानी कि आप इसमें 15 एम्स का प्लग डाल के आप 5 एम्स का नॉर्मल प्लग आप किसी भी प्लग पॉइंट में इस तरह का ये आप सेपरेट ले सकते हैं, तो आपको ये यूज आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपके घर में बड़ा प्लग पॉइंट नहीं है तो आप ये डालना चाहते हो, यूज नहीं होगा, तो आपको ये सेपरेट लेके यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रख दे, ये मात्र 80 to 120 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड हम पूरा हैवेल्स ये रूम हीटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इधर देख सकते हैं किस्टा रूम हीटर मॉडल है, एंड इधर एक इंडिकेटर मिल जाता है पावर का ब्रांडिंग है, एंड इधर देख सकते हैं हैवेल्स का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है विथ लोगो एंड वार्निंग डू नॉट कवर। इसको आप कवर नहीं करना है यानी कि आगे तक की तरफ, ये बहुत गर्म होता है जब हम रूम को ये रूम हीटर को ऑन करते हैं। एंड इधर देखने को मिल जाता है आपको हैंडल, जो कि आप कैरी करके एक से दूसरे रूम में आप लेके जा सकते हैं। एंड ये बड़ा रूम कवर करता है यानी कि 10x15 बाई का रूम आपको आराम से ये कवर कर सकता है। एंड इसकी केबल लेंथ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.5 मीटर तक इसका केबल लेंथ है, आपको एक बार दिखा दूंगा, इसकी केबल लेंथ बहुत बड़ी है, 1.5 मीटर आराम से है इसकी केबल लेंथ। एंड केबल की क्वालिटी काफ़ी हैवी ड्यूटी है। एंड अभी स्पीड की बात कर लेते हैं तो इसमें लो टू हाई स्पीड आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इधर देखने को मिल जाता है ऑफ सबसे पहले, उसके बाद में कूल यानी कि नॉर्मल फैन चलेगा, उसके बाद में वार्म यानी कि आपको 1000 वाट्स में काम करेगा। अगर हम लास्ट में अगर हॉट पे लेंगे तो ये 2000 वाट्स में काम करेगा, यानी कि हॉट में जब लेंगे तो एकदम फास्ट आपका जो रूम होता है वो हीट हो जाएगा, यानी कि आपको एकदम ठंडी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, एकदम पूरा गरम गरम वातावरण टाइप हो जाएगा आपका रूम। एंड ये ऑटोमेटिक कट ऑफ है, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड आपको इसमें पीछे की तरफ देख सकते हैं सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है। इसमें एक और ख़ास बात है, आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, एंड इसको आप इस तरह से हाइट भी कर सकते हैं, नीचे उसका लेग लगा हुआ है। एंड देख सकते हैं प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है। एंड ये ISC मार्क आपको देखने को मिल जाएगा, एंड वारंटी मैंने बताई है 1 ईयर। एंड इसमें आपको पावर सेटिंग 2 देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया मॉडल है, इसका मॉडल का नाम है किस्टा, ठीक है। देख सकते हैं मैं इसको प्लगिंग कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं मेरे पास इसमें प्लग पॉइंट में नहीं घुस रहा है, तो मैं ये अडेप्टर इसमें डाल के इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से डाल के इसको ऑन कर दिया हूँ। एंड देख सकते हैं इसको हम थोड़ा हाइट कर लेते हैं, हाइट कर लिया है, एंड नेक्स्ट प्लगिंग कर दी, प्लग ऑन यानी कि ऑन कर दिया हमने, मैम इसको सिर्फ ऑन किया, यानी कि अभी जस्ट आपको नॉर्मल एयर आएगी, ज़्यादा ये फैन की तरह फास्ट एयर इसमें नहीं आती है, इसमें ओनली नॉर्मल तरह ही एयर आती है,
यानी कि जस्ट आप इधर आप हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ एयर आ रही है इधर तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 फीट तक आपको फील होगा, 1 to 2 फीट तक आपको फील होगा कि हाँ एयर आ रही है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं आती है। लेकिन ये विद इन हाफ एन आवर में आपका 10x15 रूम एकदम हीट हो जाता है, यानी कि आपको सर्दी वगैरह नहीं लगती है। ये सर्दी में के मौसम में काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं वार्म में करेंगे तो आपको 1000 वाट्स में वर्क होगा, एंड हॉट में करेंगे तो 2000 में वर्क होगा। 2000 में हॉट में आपको एकदम फास्ट हीट होता है, ये काफ़ी फास्ट तरीके से मेरा हाथ एकदम गर्म हो चुका है। इस मौसम में काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है एंड हैवेल्स की ब्रांड से काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है एंड मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अब इसको ऑफ कर देते हैं, आपको टेस्ट करके भी बता दिया हूँ। एंड ये कूल टच बॉडी है, इधर कोई भी गर्म वगैरह नहीं होता है। एंड ये प्लग आपको ओरिजिनल ख़रीदना है, डुप्लीकेट वगैरह कोई भी लेंगे तो ये प्लग जलने की संभावना रहती है, या फिर आप 15 एम्स के प्लग पॉइंट में ही डाल के इसको यूज़ करो। एंड इसकी प्राइजिंग की बात करें तो ये मार्केट में आपको 3000 तक अवेलेबल मिल जाएगा, इसकी MRP 3750 कुछ है। एंड अगर आपको ये बाई करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको बाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।